प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं। वो उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, उन लोग के लिए कि सरकारी जॉब में क्या क्या ऑप्शन है आपका, क्या क्या आप तैयारी कर सकते हैं। वो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है सरकारी जॉब में किस कौन कौन सा एग्जामिनेशन होता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बताएंगे। और ये वीडियो की बात एक नया सीरीज लेके आएंगे कि वो हर एक चीज का, मान लो SSC का है या बैंक का, जो भी ऑप्शन है उसका ब्रीफ कैसे तैयारी किया जाए वो अलग होगा। अभी सिर्फ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बच्चे के पास ऑप्शन क्या क्या है सरकारी जॉब के लिए। वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, ग्रेजुएशन पास करने वाले हैं, उन लोग के लिए। इसमें हम लोग जैसे बता रहे थे कि ये हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, हम लोग एग्जामिनेशन की पैटर्न पे बात करेंगे हर एक एग्जामिनेशन का। हम डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स, जो जॉब किस तरीके की होती है, क्या जॉब होती है उस पार्टिकुलर पोस्ट में, क्या करना होता है, उस पे बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है आपका सिविल्स का, मतलब आप बच्चे ग्रेजुएशन जैसे ही पास किए तो सबसे पहला ऑप्शन होता है बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी के बच्चे, क्योंकि हम IAS बने, IPS बने, तो वो सारा जो क्लास वन का जो ऑफिसर्स का, गजिस्टर्ड ऑफिसर्स का जो रैंक होता है वो होता है IAS, IPS, IFS, IRS एंड अदर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विस। ये UPSC एक बॉडी है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। इसका उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट, इसकी दिल्ली में हेड ऑफिस है और इसकी साल में एक बार एग्जामिनेशन होती है, PT होती है, मेंस होती है, इसके इंटरव्यू होती है। ये इसकी सारे सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड होती है। इसमें आपका PT होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव रहेगी और इंटरव्यू है। ये आपका वैसे बच्चे जो UPSC, IAS, IPS, IRS वगैरह बनना चाहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट CDS, डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपका साल भर में 2 एग्जामिनेशन होती है। और ये आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ट्रस्टेड रैंक के ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक एग्जामिनेशन होती है CDS। और इसका रिटेन बहुत इजी होता है, इसका फिजिकल, इसका सेकेंड लेवल का जो फिजिकल, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ये थोड़ा टफ माना जाता है। ये बड़ा साइंटिफिक माना जाता है कि आपकी टेम्परामेंट आर्मी में उस प्रेशर वाले, उस डिफरेंट पैरामीटर पे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रखना जाता है उस पर आप फिट बैठते हैं कि नहीं। इसमें मेडिकल रिटेन टेस्ट, उसका SSB इंटरव्यू और इसके बाद मेडिकल। थोड़ा सा भी अगर आपका सही रहा तो रिटेन तो निकल जाएगा। SSB इंटरव्यू में आपका इनबिल्ट अगर क्वालिटी है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आप निकलेगा। ये इसमें मेडिकल, मेडिकली आपको बहुत फिट होना होता है। यहां से हम लोग की फोटे, जैसे हम लोगों ने बताया कि डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पिछला सीरीज में हम बता रहे थे क्लर्कल लेवल का, असिस्टेंट लेवल पे एग्जामिनेशन का, तो क्लर्कल लेवल पे इंटर स्तर का जो एग्जामिनेशन के बाद जो क्लर्कल लेवल के बॉडी पे जो रिक्रूटमेंट होती है उसकी CHSL करती है। अब ये CGL, इसका जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होती है। इसका जस्ट अभी नोटिफिकेशन 24 को आने वाला है और उसमें आपको पूरा का पूरा ब्रीफ आपको रहेगा कि रिटेन का क्या सिलेबस रहेगा, इंटरव्यू में क्या करना है, किसमें इंटरव्यू होगा, किसमें नहीं इंटरव्यू होगा, क्या फिजिकल लेना है, नहीं मेडिकल टेस्ट, क्या पूरा ब्रीफ रहेगा उस सिलेबस, उसके अनुसार से आपकी तैयारी करनी है। और इसमें जो ऑफिसर्स में जो आता है, यूजुअली जो इंस्पेक्टर लेवल के आप देखते होंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, GST का ऑफिसर, कस्टम का ऑफिसर, ये सब कहाँ से आता है, ये CGL का एग्जामिनेशन के बाद आपकी रिक्रूटमेंट मिलती है। ऑडिटर की, असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की, जैसे ये सारा चीज आपका CGL लेवल पे होती है। CDA में आप देखते होंगे कंबाइंड डिफेंस अकाउंट्स
तो ये सेंट्रल लेवल का डिफेंस जो सिस्टम होती है उसमें आप आपका जो रिक्रूटमेंट होती है ये सारा चीज कैग कैग का जो पूरा गवर्नमेंट का जो ऑडिट करता है उसका ये सारा चीज आपका सीजीएल एग्जाम सिस्टम होती है। इसमें सिलेबस आप उसमें रहेगा ना कि मुख्यतः जो सिलेबस रहता है वो यही रहता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस ही रहेगी करंट अफेयर्स ये सब आपका रहेगा। आप कंप्यूटर भी देने लगा है आपकी रहेगी इसमें पैटर्न यही रहेगी एग्जाम्स का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा। इसमें तीन लेवल पे एग्जाम्स होता है। पहला लेवल का जो एग्जाम्स होता है टीयर वन ऑब्जेक्टिव होती है इसमें पीटी में आप क्वालिफाई करते हैं एक तरह से और शॉर्टलिस्ट करने के बाद टीयर टू एग्जाम्स होती है टीयर टू के बाद टीयर थ्री एग्जाम्स होती है। इसमें उसके बाद फिर कंप्यूटर कोई कोई एग्जाम्स में आप देखते हैं कंप्यूटर परफॉर्मेंस टेस्ट या टाइपिंग वगैरह भी ली जाती है कुछ कुछ पोस्ट में तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का भी आपको देखना होगा आपकी नॉलेजेस। फिर हम बैंकिंग सेक्टर में हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है जहां से वो मुख्य दो पोस्ट के लिए एंट्री लेवल पे जॉब करते हैं जो क्लर्कियल है और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और एक और होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की एक बहाली है तो या मार्केटिंग ऑफिसर की बहाली है या एचआर ह्यूमन रिसोर्स वालों की रिक्रूटमेंट जो करते हैं वो डिपार्टमेंट बहाली होती है एक स्पेशलिस्ट कैटेगरीज है। फाइनेंस ऑफिसर्स का एक अलग फाइनेंस एमबीए फाइनेंस वालों के लिए एक अलग कैटेगरी होती है जो रिक्रूटमेंट होती है तो तीन तरह की ये चीजें होती है जिसमें आप देखिएगा प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की और एक लड़के लेवल की। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में भी आपका मैंने बताया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग एचआर फाइनेंस ईटीसी ये सब पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बहाल की रहती। वैसे जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं जो मार्केटिंग किए हुए हैं जो एमबीए फाइनेंस किए हुए हैं या सीए किए हुए हैं उनके लिए जो स्पेशल कैटेगरी होती है बैंक में भी एक सीए की पोस्ट होती है उनके लिए भी जो रिक्रूटमेंट होता है वो ये सारा का आप देखेंगे आईबीपीएस ये नाम लिया आईबीपीएस एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए समझने के लिए ये मुंबई में है जो सारा जितना भी पीएसयू एग्जाम से होता है अपार्ट फ्रॉम एसबीआई एसबीआई को छोड़ करके एसबीआई और आरबीआई अपना लेती है एग्जाम्स इसको छोड़ करके बाकी जितना पीएसयू है जैसे पीएनबी यूनियन बैंक यूनियन बैंक इंडियन बैंक सभी पीएसयू है सारा का रिक्रूटमेंट आईबीपीएस लेता है और एसबीआई अपना अलग लेता है आरबीआई अपना अलग लेता है। इसमें भी तीन तरह के एग्जाम तीन लेवल पे पहला पीटी ले लिया फिर आपका मेंस का मेन एग्जामिनेशन रहा शॉर्टलिस्ट के बाद फिर इंटरव्यू इंटरव्यू सिर्फ आप देखिएगा कि पीओ ऑफिसर्स लेवल पे होती है क्लर्क के लेवल पे नहीं होती इसका इंटरव्यू नहीं होती क्लर्क का इंटरव्यू नहीं होती ठीक है। सेम वे में आप देखिए स्टेट बैंक का अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है इसकी अपनी अलग से है बैंक सरकारी ही लेकिन बाकी एसबीआई के अलावा जितने भी बैंक है एक साथ मिलकर के एग्जाम्स लेती है एसबीआई अपना बहुत बड़ा है इसके ज्यादा संख्या होती है ये अपना अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालती है और इसके लिए अलग से आप क्लर्क पीओ क्लर्क को आजकल असिस्टेंट भी बोला जाने लगा है असिस्टेंट का इसकी बहाली रहती है और इसमें भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का भी बहाली होती है।
ठीक है, सेम प्रोसेस वही है और सिलेबस भी वही है जो मैंने बताया था, मैथ इंग्लिश रीजनिंग करंट अफेयर्स ये सब आपका रहेगा। इसमें भी पहला लेवल पीटी, फिर सेकेंड पीटी में क्वालिफाई हुए तो फिर मेंस, और मेंस में जब क्वालिफाई कर गए तो फिर इंटरव्यू। इसमें भी क्लर्क का, क्लर्क में नो इंटरव्यू, तो आप देख रहे हैं वो बच्चे जो पहली बार आए हैं ग्रेजुएशन में और अब तैयारी करना चाहते हैं, उसको समझ में आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो तैयारी नहीं, तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और बैंक में क्या क्या पोस्ट आता है, क्या चीज रिक्रूटमेंट होती है, उसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये फिर एक और वीडियो आएगा, उसमें हम बताएंगे SBI की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कैसे करें, IBPS में क्या क्या सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कैसे करें, अभी क्या क्या आ रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। सेम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में रेलवे का अपना बोर्ड होता है, सारा रेलवे जितने इतने रेलवे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर एक देखते हैं रेलवे का नेटवर्क इतना बढ़ रहा है, डेली ट्रेन बढ़ रही है, मालगाड़ी बढ़ रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है, साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी हो रहा था, बहुत सारा जॉब पहले जो था वो रिडंडेंट हो गया है, बहुत सारा नया जॉब आ गया है, टेक्निकल स्किल सेट वाला जॉब आ गया है, तो इसकी रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग होती है और इसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसकी अलग। इसमें आप देखिए इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट टाइप्स इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर का नॉन टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक्निकल पोस्ट का मतलब कौन सा, जैसे स्टेशन मास्टर, ASM, PTE, ATC जो है नॉन टेक्निकल, जिसे टेक्निकल की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएशन की टाइप का आपका नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी इसकी आती है। इसका प्रोसेस क्या है, वाला पहले ऑफलाइन होता था टेस्ट, अब ये CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है, ऑनलाइन सेंटर होता है, वहां एग्जामिनेशन देनी होती है, वहां से आपका टेस्ट होगी सीधे। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट, जो आपका जिस स्किल्स में है उसका, जैसे मान लो इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का एक अलग अपना पेपर होगा, वो टेस्ट आपका देना होगा, और फिर इसका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप वहां पर सिलेक्शन हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4-5 स्टेज में होती है, ये कोई भी कैटेगरी का एक का पूरा प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 8 महीना से 1 साल लग जाता है, और पहले क्या था, पहले इसकी 2-2 साल 3-3 साल में वैकेंसी हो आती थी, लेकिन इधर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी हर एक साल का कैलेंडर टाइप से बना दिया है, पहले एक साथ आती थी तो बहुत बल्क वैकेंसी आती थी, अब हर एक साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आपका हमेशा आते रहेगा, इसलिए इसका कैलेंडर ईयर, कैलेंडर जैसे SSC का, बैंक का कैलेंडर निकलता है साल भर में कौन कौन सा एग्जाम होता है, उसे रेलवे का भी इस बार से स्टार्ट किया, तो ये बहुत अच्छी बात। ये देखिए स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपका होती है, इसमें बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका आपका एग्जामिनेशन BPSC बिहार में लेती है एग्जाम्पल के रूप में। पुलिस सर्विसेस मतलब आप SI वगैरह का आप देखते हैं, दरोगा वगैरह जो बनते हैं। फाइनेंस सर्विसेस, ये सारा चीज का आपका एक साथ टेस्ट होती है। फिर इसका कैसे होती है, इसका भी 3 लेवल पे PT होगी, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये तीनों चीज का आपको शुरू से ही तैयारी करना पड़ता है, ग्रेजुएशन से ही तैयारी करना पड़ता है। इसकी जो सिलेबस होगी, ये सिलेबस में आपका GS मुख्य, GS पे कमांड होता है, होना चाहिए GS में, खास करके NCERT करेंट अफेयर्स सब्जेक्ट, फिर इसमें भी आपका आ गया है क्वांट्स, रीजनिंग टाइप से भी क्वेश्चन आ गया है, इसमें भी आपका ऐसे आ गया है, ये आपको ये आपका मेंटल एबिलिटी वगैरह की भी टेस्ट होती है। तो आपको ओवरऑल हर एक जगह आपको पॉइंट रीजनिंग वगैरह का आपको हमेशा रहेगा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का भी एग्जामिनेशन आपकी आती है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो MBA किए हुए हो उद्योग के लिए,
ग्रेजुएट किए हैं और एमबीए कर लिए हैं या इसके लिए इंजीनियरिंग रोल के लिए भी आपका आती है। इसमें कौन सा एग्जाम्स होता है? गेट, गेट एक क्वालिफाई करना पड़ता है टेक्निकल, इसका जैसे आईटी का एग्जाम्स होता है वैसा गेट का होता है। गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसका आप एक परसेंटाइल डिफाइन करती है और जो हर एक पीएसयू अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल वो कॉल करता है और पीपीएसयू स्पेसिफिक एग्जामिनेशन बहुत से एनटीपीसी डिफरेंट डिफरेंट जो होता है एनटीपीसी एनएचपीसी भेल टेल गेल ये सब भी अब एग्जामिनेशन लेके आती है इंडिविजुअल। और गेट का भी स्कोर्स के अनुसार से भी होती है और फिर इसका इंटरव्यू होती है। जनरल टिप्स, जनरल टिप्स फिर वही है कि सबसे पहले क्या करना है, जो एग्जामिनेशन को डिफाइन करना है एक दो की, ये दो दो या तीन एग्जामिनेशन को हम लोग फोकस करके हम लोग तैयारी करें, जिसका सिलेबस अगर कॉमन हो जिसमें हम चार पांच एग्जामिनेशन कवर कर लें, वैसे पहले उसके लिए क्या करना है, उसके लिए पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए कैसे करना होगा, सबसे पहले आपको जाकर के जैसे अभी एसएससी का जिसको तैयारी करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका जाकर के पढ़ करके उसका पूरा सिलेबस का ज्ञान और फिर एग्जामिनेशन पैटर्न में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको देख के एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता चले, ठीक है। तो मतलब जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले साल इसी एग्जाम से रिलेटेड जो चार पांच साल का क्वेश्चन उसका लेके बैठने से आपको पता चलेगा कि इस तरीके का क्वेश्चन इस लेवल पे आ रहा है। रेगुलर स्टडी प्लान इंपॉर्टेंट।